सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन को। एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड है। लास्ट अगली वीडियो में जो आई है आपके साथ थोड़ा सा सीक्वेंस में थोड़ी दिक्कत करती है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो हमारा काम है वो कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन को डिस्कस करना जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। मेन है हमारा क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रिफर्ड टू बी एज अ सिंगल गैस वॉल्यूम। अब इन्होंने पूछा है कि एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर में सिंगल गैस की वजह से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज प्रिफर्ड टू बी एज अ सिंगल गैस वॉल्यूम। तो अगर मान के चलिए कि अगर कोई मिक्सचर है, उसमें मिक्सचर क्या कई सारी गैस का उसमें होने वाली है किसी कंटेनर में, तो उस पर्टिकुलर गैस की वजह से लगने वाला प्रेशर क्या होगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द डेड गैस। मान चलिए एक्स कोई एक्स गैस है, कोई वाई गैस है, तो द प्रेशर ऑफ एक्स गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, है ना? तो दैट इज पार्शियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द प्रेशर दैट इज अ सिंगल गैस कंपोनेंट इन अ गैस मिक्सचर वुड बी एक्सर्ट इफ इट एग्जिस्ट अलोन इन द सेम, ठीक है। तो ये भी मतलब सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया। तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है? पार्शियल प्रेशर, कि वही की सेम गैस है आर ओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है? द ओबे इज राउल्ट्स लॉ इन ऑल द स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा, मतलब सारे सारी स्टेजेस में कौन सा इनमें से सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आइडियल ही एकमात्र ऑल स्टेजेस में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि व्हेन टू परफेक्ट सॉल्यूशन विद वॉल्यूम v ईच आर कंबाइंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर दो परफेक्ट सॉल्यूशन है और दोनों को मिलाया गया, तो अगर परफेक्ट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज आपस में मिक्स नहीं होने का मतलब ये मेरा ये है यहाँ पे कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों आपस में सेम वॉल्यूम, जो दोनों का सम होगा वॉल्यूम का वो 2v हो जाने वाला है, यानी दोनों का इंडिविजुअल का सम होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज 2v, दैट इज v प्लस b, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द हीट ऑफ द सॉल्यूशन और अ मिक्स्ड एज अ नेगेटिव साइड, कि इन्होंने बोला कि द हीट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग हैज नेगेटिव साइड, कि इसकी मिक्सिंग का नेगेटिव साइड है, क्यों? क्योंकि हीट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर बात करें कि हीट ऑफ सॉल्यूशन और अ मिक्सिंग हैज अ नेगेटिव साइड बिकॉज ऑफ हीट ऑफ डिसोल्यूशन, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हीट ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सॉल्यूशन मेड अप ऑफ न्यूमेरियस कंपोनेंट्स इन विच ईच कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी इज वेटेड सम ऑफ इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी। द आंसर इज, मतलब इन्होंने बोला कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, पर उस सबकी प्रॉपर्टी अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो उसके बराबर आ रही है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? तो दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की जो उसमें जो सॉल्यूशन में जो मिक्सचर है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी 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 प्रॉपर्टीज और उसकी अगर इंडिविजुअल को मेज करें तो उसकी प्रॉपर्टी, तो सिर्फ ये आइडियल सॉल्यूशन में ही सेम हो रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ए कैम्फर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कैम्फर इन NO2, कैम्फर मतलब कपूर इन NO2 गैसेस में। तो दैट इज जैसे आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। तो आपने कभी जैसे कि पूजा वगैरह में कपूर को जलते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, अगर जब जब वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कि बताइए, ठीक है। ये आपका मेरी साइड से एक टास्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूट क्रिस्टल इज एडेड टू अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट को मिलाएंगे तब उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, सुपर सॉल्यूशन है मतलब वो ऑलमोस्ट अपनी सारी अपना सैचुरेटेड लेवल को पहुंच चुका है, तो जो हम सॉल्यूट में लाएंगे क्या वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब उसमें और नहीं घुल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक नॉर्मल सॉल्यूशन लिया, एक
एक शुगर सॉल्यूशन, आपने ठंडा पानी लिया उसमें शुगर बनाया तो एक लिमिट तक वो घुलेगा, उसके बाद अगर वो सेटल डाउन होने होने लग जाएगा, लेकिन वहीं आप उसको हीट करोगे तो उसमें थोड़ी इसकी सेचुरेशन लेवल और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें और शुगर हो जाएगा, लेकिन सुपर सॉल्यूशन मतलब उसके बाद भी उसमें कुछ ना घुले, तो उसके बाद अगर हम उसमें कुछ मिलाएंगे सॉल्यूट मिलाएंगे तो इट विल बी प्रेसिपिटेट आउट, तो पीपीटी नीचे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, पीपीटी विल फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वेल अवेलेबल ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा नहीं है बताना है मुझे, ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपको इनमें से एक तरह से ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो ब्रास ब्रास ब्रॉन्ज एंड हाइड्रेट सॉल्ट, सो दीज आर आपको बताना है कि ये किस तरह के सॉल्यूशन है, पर ये तीनों कैसे सेम सेम सॉल्यूशंस हैं, सेम इनकी जो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो आप बताना है मुझे कि किस टाइप के सॉल्यूशन है ये। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाए क्योंकि ये इनमें से ऑड वन आउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हाट मेक्स अ सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, कि सॉल्यूशन किस से बनता है, या फिर किन कंपोनेंट्स को मिल किन चीजों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन का फॉर्मूला दे रखा है C3H5, या फिर इसको बोल दीजिए C3H8O3, ठीक है, ये जनरली इस फॉर्म में आप थोड़ा क्लासिफाई एकदम सिंपलीफाई कर रखा है, पर जनरली इस फॉर्म में दिया था C3H8O3। तो क्वेश्चन बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है 36 ग्राम, 36 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O, 16 + 2 दैट इज 18, तो वाटर के कितने मोल्स हैं, दैट इज 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर एडेड है। अब ग्लाइसरीन का मास निकाल लिया आप, तो ग्लाइसरीन के मोल निकाल लीजिए, ठीक है, तो अब देखिए तो आप उसका जब रेशियो लेंगे तो क्या आंसर आने वाला है इसमें, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि आउट ऑफ मोलैरिटी यानी मोलैलिटी नॉट रिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैरिटी एम एंड फॉर्मेलिटी एफ एंड मोल फ्रैक्शन एक्स, दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ये हमें बताना है, ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले इसमें याद होने वाले हैं तो आपको अच्छे से आप बता पाएंगे, सो दैट इज मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी चले तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन में से देखो राउल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, ठीक है, राउल्स लॉ को भी ओबे करता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फॉलो नहीं करते, अब मुझे बताइए कि आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी को तो फॉलो करता है ये आइडियल सॉल्यूशन पर, किसको नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से जा सकते हो कि अगर आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है और राउल्स लॉ को भी करता है, तो एक ऑप्शन बचा दैट ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी इस तरीके से आप जा सकते हो ऑप्शन चेक करके भी, ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन एक वे होता है जब तो आपको आंसर नहीं पता हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन द वाटर एंड इथेनॉल, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वाटर और इथेनॉल का, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है किससे, नॉर्मल वाटर एंड इथेनॉल के सॉल्यूशन से, तो इसका रीजन बताना है क्यों, क्यों इसके रीजन बताना है हमें क्यों ऐसा क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ इन राउल्स फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तो ये इसका रीजन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर आपको जब जो जो ग्राफ याद है जिसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन का पूरा एकदम ग्राफ में पूरा पेपराइज कर रखा है कि कौन सा किस किस एरिया में कौन सा सॉल्यूशन आता है, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 180 एम प्रेशर, 180 एम प्रेशर पे किनका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाने वाला, यूरिया 0.1, क्योंकि क्योंकि सब में मोलैरिटी तो सेम है 0.1, ठीक है। तो आप किससे चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे मास से, ठीक है। तो मोलिकुलर मास किसका ज्यादा से ज्यादा, यूरिया का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी यूरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.0821 एटीएम एट टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन, द कंसंट्रेशन इन दी मोल पर लीटर। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो और पूछा कंसंट्रेशन बतानी है हमें मोल पर लीटर में, ठीक है। सो हमारा इसमें आंसर क्या होने वाला है, 0 पॉइंट या फिर 0.03, 0.03, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, पीपल एडिट सोडियम क्लोराइड टू वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट दैट इज NaCl को हमने वाटर में मिलाया व्हाइल बॉइलिंग एग। दिस इज बिकॉज, अगर मतलब एक एग को बॉइल करते हुए अपने NaCl उसमें मिलाया, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका रीजन है कि टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए हम NaCl को मिलाया इसमें। अब ऑप्शन नंबर 1 है डिक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आइस को आइस जल्दी ना पिघले, इसलिए उसमें हम सॉल्ट को मिलाते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियल ग्रेड आइस होता है उसमें भी हम सॉल्ट को मिक्सर करते हैं, उसका रीजन भी यही होता है, ठीक है। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है आइस से भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द वांट ऑफ फैक्टर आई अकाउंट्स फॉर। तो इनमें से किसका मतलब ABCD ऑप्शन में से हमें मार्क करना है कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सोल्युबिलाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप गलत है या सही नहीं है, या फिर इसका डायरेक्टली इसमें पूछा कि फॉर्मूला कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। सो डेल्टा टी वी दैट इज के बी, ये भी ये फॉर्मूला भी ठीक है एकदम। ये पाई पाई इज इक्वल टू एन बाई बी एन बाई एन टू आई बी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किन इनमें से किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आंसर है कि वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपकी सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।